हे गाइस वेलकम बैक टू आवर फेक आर्टिस्टी ब्लॉग के अंदर। तो आज हमारा मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 12 बॉल का मैच है, वो भी कोलकाता के ईडन गार्डन आर्टिस्टी फिक्स स्टेडियम के अंदर। तो गाइस चलो फटाफट से, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि भाई टिकट तो आ चुकी है मेरे पास, तो फटाफट से चलो निकलते भाई। पीछे हमारे ईडन गार्डन मैदान भाई, धीरे धीरे हम लोग ईडन गार्डन के अंदर घुस रहे भाई। ओ कितना सारा ऑडियंस भाई, आज लगता है पूरा गैलरी पूरा टॉपअप है, पूरा गैलरी टॉपअप है। ओ अंकल थोड़ा साइड में चलो ना, हमारा सीट थोड़ा मिल चुकी है भाई, पर देखते भाई यहाँ से भाई क्या व्यू आ रहा है भाई। वाओ भाई मैं पहली बार कोलकाता का स्टेडियम पर आया हूँ भाई, वो भी फेक वाला आर्टिस्टी के अंदर। अरे वो अंकल थोड़ा सरफ ना भाई, क्या यार मेरे सीट पे बैठ जाते लोग भाई, चलो बैठते हैं। जब बैठने का जगह मिल चुकी है भाई, तो अभी तक तो मैच स्टार्ट नहीं हुआ, देखते हैं कब तक स्टार्ट होता है। तो अभी हमारे यहाँ पे न्यूजीलैंड का एंथम चल रहा है, तो अभी हमारे इंडिया का नेशनल एंथम चालू हो चुकी है, तो सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे, साइड सी बात है। दोनों अंपायर उतर चुकी है गाइस, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सॉरी अंपायर के गोटियों में जूम हो गया था यहाँ पे, मैं मुंह पे जूम करता हूँ भाई, बहुत दूर है ना इसलिए मुश्किल हो रही है। न्यूजीलैंड का पूरा टीम भी यहाँ पे उतर चुकी है। वाओ, ओ अभी हमारे दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं, रोहित शर्मा और केएल राहुल। काउंटडाउन इज गोइंग ऑन, 4 3 2 1 आर यू रेडी। अरे बचपन से, अरे भाई धीरे बोलो ना, कान के पर्दे फट जाएंगे। अच्छा ये 12 बॉल का टूर्नामेंट के अंदर ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करेगा, और पहला बॉल डालने जा रहा है ट्रेंट बोल्ट, और सामने था केएल राहुल। हाँ सामने केएल राहुल ही है। अरे भाई चिल्ला क्यों रहे, वो चार मारा है क्या? अरे भाई इतना दूर से कुछ दिखता भी नहीं है भाई, बॉल इतना छोटा सा, आई थिंक क्या लगता है रन आउट हो गया। ये मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है। हाँ अंपायर ने आउट दिखा दिया, स्क्रीन पे दिख रहा है भाई आउट यहाँ पे। बस पहला विकेट गॉन 12 बॉल टूर्नामेंट के अंदर। अभी कोहली स्ट्राइक पे बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, जो मजा आ रहा है कोहली को आमने सामने देखने के लिए। सिक्स आते आते यहाँ पे सिक्स मार दी, वाबरे कोहली को सामने से सिक्स मारने देखना भाई, कहना मुमकिन। वी वन सिक्स क्या लगता है, गया ये बॉल अंदर गिर गया। यस फील्डर के हाथ में सीधा कैच गया, यहाँ पे कोहली अच्छा खेल रहा था यार। तो अभी पहला इनिंग्स खत्म हो चुकी है, विराट कोहली ठीक ठाक खेल रहा था पर भाई सिक्स ये था पर वो आउट हो गया भाई। पर खैर कोई बात नहीं, 10 रन का टारगेट है। अभी स्टेडियम के बाहर आया हूँ, देखते भाई कुछ मिलता ही नहीं क्योंकि बहुत प्यास लगी है भाई, पानी तो अंदर नहीं मिल रहा था। तो देखो भाई इंडिया का जर्सी पहन के आए, ठीक है आज इंडिया को जिता के घर पे जाएंगे भाई, ठीक है 10 रन का टारगेट है भाई, देखते कौन बॉलिंग करेगा। तो अभी शुरू होने वाली है, तो फटाफट चलो भाई पानी लेके अंदर चलते हैं। अरे समय बॉलिंग करेगा आज, समय ओ अच्छा आज ओपन करेगा हमारे विलियमसन। मैंने बोला था 6 बॉल में 10 रन चाहिए, अभी सामी यहाँ पे पहला बॉल डालने जा रही है सामने विलियमसन। पहला बॉल को हमेशा चेक करते हैं भाई, यहाँ पे सिंगल ही लेगा मुझे पता है, पर नॉन स्ट्राइक पे गुप्टिल है भाई, गुप्टिल को आज हम लोग सामने मिलकर आउट करेंगे। वी वांट विकेट। अरे सब लोग चिल्ला के, अरे ओपोनेंट ने, अरे भाई गुप्टिल ने चौका मारा, ओपोनेंट ने चौका मारा, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो भाई यार, ये कौन सा पब्लिक है यार। न्यूजीलैंड तो फुल एग्रेसिव मूड में बल्लेबाजी कर रहा है, कैच कैच गुप्टिल का कैच। अरे भाई ये भी लगता है आरसीबी खेलते हैं भाई, मतलब खड़े खड़े किसको देख रहे थे भाई, अरे कैच तो लो ना। अभी पूरा सन्नाटा मच गया भाई पूरा स्टेडियम के अंदर, क्योंकि 2 बॉल में 2 रन चाहिए। अभी सामने विलियमसन कैच, ये तो एटलीस्ट कैच होना चाहिए, कम ऑन पहला कैच यहां पे इस मैच का भाई, मोहम्मद शमी ओपी जिंदाबाद। लास्ट बॉल भाई सामने गुप्टिल, कम ऑन, अरे कम ऑन बच्ची के दिल में। अरे अंकल सॉरी आपके बच्चे को कुछ नहीं बोला, अरे नहीं भाई आपके बच्चे को कुछ नहीं बोला। अरे भाई इन लोगों को कौन सा, ये मेरा डायलॉग है। अरे नहीं भाई सॉरी आपके बच्चे के कुछ नहीं बोला मैंने भाई, हैंडशेक कर रहा है या कुछ और कर दिखाई दे रहा है, इतना दूर है ना भाई, अब क्या बोले। हाँ ये अच्छी बात है, मोहम्मद सही मैन ऑफ द मैच है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो अभी मैच खत्म हो चुकी है, तो हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो बहुत भूख रहा था तो बीमार लिया था, एक मिनट रुको। सॉरी अंकल सॉरी, गलती हो गया। अरे यार बीमॉल गिर गया गांव में। चलो गाइस अगर आप लोग को ये फेक ब्लॉग आर्टिस्टी का अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, आगे भी आता रहेगा। देखते भाई सेकंड मैच का टिकट मिलता नहीं तो जरूर आऊंगा भाई कोलकाता स्टेडियम पे, तब तक के बाय गाइस।